2012 में एक राजनीतिक रूप से एक झूठा और गलत केस मेरे ऊपर दायर किया गया। वो पूरी कोशिश उस समय ये थी उस सरकार की कि एक पूरे के पूरे मीडिया हाउस को मिटा दिया जाए, वो मीडिया हाउस जो उनके साथ अलाइंड नहीं था। और वो क्या हुआ, उसमें एक FIR दर्ज की गई। FIR में किसका नाम था, मेरा नाम था। मेरे एक कोलीग थे जी बिजनेस के एडिटर समीर आलूवालिया, उनका नाम था। सुभाष चंद्रा जो कि चेयरमैन है जी ग्रुप के, FIR में उनका नाम था। सुभाष जी के जो भाई हैं जवाहर गोयल, उनका नाम था। और सुभाष जी के जो बेटे हैं पुनीत गोयल का, उनका नाम था। ये पांच लोग थे जिनका नाम उस FIR में रखा गया। अब आप खुद जितने भी लोग हैं, अगर आप अपने कॉमन सेंस भी लगाएं, तो आप सोचेंगे कि क्या आपको ऐसा लगता है कि एक कोई अगर गलत काम हुआ है तो उसमें आप पूरे के पूरे मैनेजमेंट को, मालिकों को, उनके बेटे को, परिवार को, सबके सबके खिलाफ आप FIR कर लोगे? इससे आप समझिए कि वो मंशा क्या रही होगी। उसके बाद अगले दो महीने हमारे ऊपर, मेरे ऊपर पांच और FIR एक एक करके लगातार FIR हो जाती थी। आप याद कीजिए, जब मैंने वो निर्भया केस हुआ था और निर्भया का जो दोस्त था उसका मैंने इंटरव्यू किया था, उस पर भी FIR हो गई। इसी मामले में उन्होंने मुझे अरेस्ट किया और मैं 20 दिन जेल में रहा। जब मैं वापस आया तो उसी मामले में एक FIR और दर्ज हो गई। उसके बाद एक FIR और दर्ज हो गई, और सब नॉन अवेलेबल सेक्शंस में। क्योंकि ये अब जो कानून के जानकार हैं वो जानते हैं कि अगर आपको किसी को अरेस्ट करना है तो आपको नॉन अवेलेबल, शुरू में कम से कम एक बार आप नॉन अवेलेबल चार्ज लगा दीजिए ताकि वो अरेस्ट हो जाए। बाद में आप अदालत के चक्कर लगाते रहिए, अदालत को बताते रहिए। और फिर पूरी योजना ये थी कि उस समय हमारे चैनल को बंद कर दिया जाए। INB मिनिस्ट्री भी हरकत में आ गई, उन्होंने भी शोकॉज नोटिस भेज दिया। जितने भी मंच उस समय जो प्लेटफॉर्म्स हो सकते थे, मिनिस्ट्रीज थी, सब के सब पीछे पड़ गए। फाइनली हम सुप्रीम कोर्ट गए और हमने सुप्रीम कोर्ट में वही कहा जो मैं आज आपसे कह रहा हूँ, और सुप्रीम कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया, वरना उस समय वो चैनल ही बंद हो जाता। जो पूरा जो प्लान था वो था चैनल पूरा बंद हो जाए और चैनल को चलाने वाले जितने भी लोग हैं वो सब जेल में चले जाए। हैरानी की बात यह है कि उस समय किसी ने इसके बारे में हमारा ज़्यादा साथ भी नहीं दिया और मैं भी इसके बारे में चुप रहा। और धीरे 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 दिन आए, मैंने ये सोचा कि मैं अदालत में ये साबित करूँगा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और उस केस को बंद होने में 10 साल लगे। 2012 में वो केस दर्ज हुआ था और मैं उस समय 2012 में जब ये केस हुआ तब मैं, मुझे जी न्यूज़ में आए सिर्फ 2 महीना हुआ था, ओनली 2 मंथ्स। मैं तो समझ ही रहा था कि मुझे क्या करना है, इतनी देर में ये जो झूठी FIR हो गई। 2022 में वो केस अदालत में बंद हो गया। बंद कैसे हुआ कि पुलिस ने उसमें अदालत में अपनी क्लोजर रिपोर्ट फाइल की और कहा कि हमें इस तरह का कोई सबूत नहीं मिला जिससे हम ये साबित कर सके कि ये चार्जेस सही है, इसलिए हम इसमें क्लोजर रिपोर्ट डालना चाहते हैं। जिसने मेरे ऊपर आरोप लगाया था और इन सब लोगों के ऊपर आरोप लगाया था, सुभाष जी के ऊपर, मेरे ऊपर, जवाहर जी के ऊपर, पुनीत जी के ऊपर, उन्होंने 2017-18 में अपनी उस कंप्लेंट को भी वापस ले लिया और कहा कि ये मामला एक हमें कन्फ्यूजन था और उस समय किसी और हितों को साधने के लिए हमने ये FIR करा दी थी। अब आप सोचिए, ये हमारे लीगल सिस्टम पर मेरी एक टिप्पणी है कि 2017 में वो उन्होंने उस केस को वापस लिया और लिख कर दिया कि ये केस झूठा है, हम खुद आपको बता रहे हैं कि ये सही नहीं है। और तो भी उस केस को बंद होने में 2022 का समय लगा, 5 साल लग गए। उसके बाद भी जब ये केस बंद हुआ तो एक तो मुझे लगा कि शायद मुझे इसमें अपनी एक मॉरल विक्ट्री के तौर पर मुझे सब बाहर आना चाहिए और बताना चाहिए कि देखिए मुझे अदालत ने बरी कर दिया, क्लीन चिट मिल गई, ये केस झूठा था, जो शायद कोई भी करता। लेकिन क्योंकि मैंने 10 साल तक कभी इसके बारे में बात नहीं की, मैं चुप रहा हमेशा। और मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे खुशी होती थी, खून का घूंट पी के मैं हमेशा चुप रहता था और तब भी मैं चुप रहा। 2022 में केस बंद होने के बाद अब 2023 तक भी मैंने 1 साल में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। पर अब मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसका स्टेटस ये है, वो केस बंद हो चुका है, मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता था, बट आज सार्वजनिक तौर पर मैंने आपको सब स्पष्ट कर दिया, दैट केस डज नॉट एग्जिस्ट टुडे। उस केस में मैं दोषी नहीं पाया गया, अदालत ने मेरा कोई दोष किसी भी जगह नहीं पाया, इन्वेस्टिगेटर्स ने यानी पुलिस ने मेरा उसमें कोई दोष नहीं पाया और इसीलिए अदालत ने उसे बंद किया। अब आप अगर अदालत के फैसले को भी चैलेंज करना चाहते हैं या आप उसको भी झूठा साबित करना चाहते हैं तो वो किसी की मर्जी हो सकती है।